देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। नमस्कार, आदाब। जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। मालगाड़ी की 21 बोगी पलटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गुरुवार सुबह श्रीकृष्ण नगर रेलवे स्टेशन के पास सुबह बड़ा हादसा हो गया। ऊधपुर घाटमपुर के पास सुल्तानपुर से मुगलसराय की ओर जा रही मालगाड़ी की 21 बोगी पलट गई। इसके चलते जौनपुर आरसी रेल मार्ग जाम हो गया। रूट की ट्रेनों को जगह जगह पर खड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार मुगलसराय से कोयला लगने के लिए सुल्तानपुर से सुबह 6:58 बजे मालगाड़ी रवाना हुई। मालगाड़ी में 59 बोगी लगी थी। मालगाड़ी श्री कृष्णनगर रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद सुबह 7:58 बजे ऊधपुर घाटमपुर के पास पहुंची थी। अचानक कुछ बोगी 20 से ट्रैक से उतर गई। ट्रेन की गति अधिक होने के कारण आगे से 16 और पीछे से 21 बोगी को छोड़कर बची 21 बोगी पलट गई। हालांकि चालक AK चौहान और गार्ड संजय यादव पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना के कारण वाराणसी सुल्तानपुर रेल मार्ग जाम हो गया है। महामना एक्सप्रेस सुल्तानपुर जौनपुर वाराणसी पैसेंजर बीच में ही खड़ी है। इसके चलते यात्री परेशान हैं। PWI जौनपुर ब्रजेश यादव ने बताया कि सुल्तानपुर से मुगलसराय जा रही वाक्सन मालगाड़ी के किसी डिब्बे का पहिया जाम होने के कारण यह घटना हुई है। मालगाड़ी श्री कृष्ण नगर स्टेशन के आगे आउटर पर जैसे रेल लाइन परिवर्तन के लिए बढ़ी, तभी अचानक उसका डिब्बा पलट गया। घटना के कारण वाराणसी लखनऊ बाया जफराबाद रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। घटना की सूचना उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। स्थानीय रेलवे के अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए बदलापुर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। हमने सुबह किसी से पता पाए कि हम मालगाड़ी पलटी है, तो हमने आके यहाँ देखा तो पटरी टूटी है। आगे जाके देखा तो बोगी डिब्बा सब जो है धीरे टूटा है। तो ये क्या थी, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये इधर से सुल्तानपुर तरफ से आ रही थी, बनारस तरफ जा रही थी। किसी को चोट वोट आई है क्या? कुछ नहीं, नहीं भैया, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन रेलवे में जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या नाम है सर? हमारा नाम है विनोद कुमार।